हे गाइस, दिस इज सीए सौरभ सिंह बघेल एंड वी आर बैक विथ अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्टेप्स ऑफ प्लानिंग प्रोसेस। मतलब अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लानिंग करते हैं तो आपको कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो सबसे पहला प्रोसेस है, सबसे पहला स्टेप है सेटिंग द ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले आपको प्लानिंग में अपने ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करना पड़ेगा। यू हैव टू डिसाइड व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी कोई कंपनी है, आपने डिसाइड किया कि यू वांट टू इंक्रीज द सेल्स ऑफ कंपनी बाय 20%, मतलब आप अपनी सेल को 20% से बढ़ाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, लास्ट ईयर आपका सेल था 1000 करोड़ एंड यू वांट टू इंक्रीज दैट सेल्स बाय 200 करोड़। तो ये क्या हो गया आपका सेटिंग द ऑब्जेक्टिव। पहला पॉइंट हो गया, आपने पहले स्टेप में अपने ऑब्जेक्टिव्स को क्लियरली डिटरमाइन कर लिया। आपको ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक तौर पर डिटरमाइन करना पड़ेगा। उसके बाद डेवलपिंग द प्रेमाइसिस, इसका क्या मतलब है। देखिए, आपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया कि अगले साल 20% से सेल बढ़ाना है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि सेल आप प्लानिंग हमेशा फ्यूचर में होती है, तो आपको फ्यूचर एनवायरनमेंट के बारे में फोरकास्ट करना पड़ेगा। जैसे अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में सोचना पड़ेगा, गवर्नमेंट की पॉलिसी हो सकता है कि अगले साल चेंज हो जाए उसके बारे में सोचना पड़ेगा, मार्केट कंडीशंस चेंज हो जाए उसके बारे में सोचना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई गारमेंट है, गारमेंट का बिजनेस करते हैं, आप कपड़े के बिजनेस में हैं, तो फैशन कंटिन्यूसली चेंज होता है, तो आपको उसको ध्यान में रख के अपने कुछ अजम्पशंस डेवलप करने पड़ेंगे कि हम ये करेंगे तो हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा। जैसे अगर आप मार्केट में 20% सेल बढ़ाने के लिए आपने अपने प्राइस इंक्रीज की, तो कॉम्पिटिटर उसका फायदा उठा सकता है। तो इसलिए ये बात को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम कुछ ऐसे करेंगे कि हमारे कॉम्पिटिटर्स भी हमें परेशान ना कर सके। मतलब कुल मिला के चेंजिंग बिजनेस इन्वायरमेंट में आपको प्लानिंग करने के लिए, प्रेमाइसिस डेवलप करने के लिए कुछ अजम्पशंस लेने पड़ेंगे। उसके बाद क्या होगा, डेवलपिंग प्रीमिसेस, ठीक है ना। इससे आपका सेकंड स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अजम्पशंस लेने के बाद आप आएंगे तीसरे स्टेप पे, जहां पे यू हैव टू आइडेंटिफाई द अल्टरनेटिव कोर्सेस ऑफ एक्शन। अल्टरनेटिव कोर्सेस ऑफ एक्शन मतलब आपके पास ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल हैं, किस किस तरीके से आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं। यहां जैसे मान लीजिए कि आप उस प्रोडक्ट में, आप एक प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे आप मान लीजिए शर्ट्स बनाते हैं, तो क्या उसी प्रोडक्ट लाइन में आप फर्दर एक्सपेंशन करना चाहेंगे, जैसे आप उसमें जीन्स बनाना शुरू कर दें या टी शर्ट बनाना शुरू कर दें, इससे आपका सेल अचीव हो जाएगा। एक ऑप्शन ये है। दूसरा, डाइवर्सिफिकेशन, आप गारमेंट के बिजनेस से फुटवेयर के बिजनेस को भी शुरू कर दीजिए। तो अगर आप गारमेंट के साथ साथ फुटवेयर भी बनाने लगेंगे तो ये डाइवर्सिफिकेशन होगा, इट इज़ अनदर प्रोडक्ट लाइन, तो जिससे आपकी सेल्स बढ़ सकती है। तो दो ऑप्शन में से आपको देखना पड़ेगा कि कौन कौन से ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हैं। उसके बाद इवेल्युएटिंग द कोर्सेस, आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू इवेल्युएट ईच अल्टरनेटिव डिफरेंटली। आपको देखना पड़ेगा कि उस अल्टरनेटिव की कॉस्ट क्या है और उससे आपको कितना बेनिफिट मिलने वाला है। उसके अलावा आपको देखना पड़ेगा कि क्या नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उस अल्टरनेटिव के। आप अल्टरनेटिव्स पे आंख बंद करके सिलेक्शन नहीं कर लेंगे, आपको उसका क्या करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा, इवेल्युएशन करना पड़ेगा कि क्या ये अल्टरनेटिव हमारे लिए फिजिबल होगा कि नहीं, क्या ये अल्टरनेटिव हमारे लिए बेनिफिशियल होगा कि नहीं। उसके बाद पहले देखिए हमने क्या किया, सेटिंग द ऑब्जेक्टिव, डेवलपिंग द प्रीमिसेस, आइडेंटिफाई किया अल्टरनेटिव्स को, फिर उनका इवैल्यूएशन किया, और उसके बाद सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव, हम कौन से अल्टरनेटिव को सेलेक्ट करेंगे जो हमारे लिए बेस्ट फिजिबल होगा, बेस्ट अच्छा होगा, सबसे अच्छा होगा, उसको हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब सेलेक्ट करने के बाद वी हैव टू इंप्लीमेंट द प्लान। फॉर एग्जांपल, हमने इस अल्टरनेटिव को सेलेक्ट किया कि हम डाइवर्सिफिकेशन करेंगे, गारमेंट के बिजनेस के साथ साथ हम फुटवेयर का बिजनेस भी स्टार्ट करने वाले हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फुटवेयर के लिए मशीनरी खरीदनी पड़ेगी, रॉ मटेरियल अवेलेबल करना पड़ेगा, वो कहां पर होगा, इंप्लीमेंटेशन द प्लान। और उसके बाद फॉलो अप एक्शन,
प्लान इंप्लीमेंट कर दिया हमने, फुटवेयर बनाने के बारे में सोच लिया हमने, फुटवेयर का इंडस्ट्री भी चालू कर दिया। अब मान लीजिए कि हमने एक्सपेक्ट किया था कि हम 20,000 कितना 2,000 सेल्स बढ़ाने के लिए, तो हम 100 करोड़ का सेल्स प्रोडक्शन करने वाले हैं विद इन 6 मंथ। कितना? 100 करोड़ विद इन 6 मंथ। बट हमने देखा कि हमारा प्रोडक्शन सिर्फ 70 करोड़ था विद इन 6 मंथ का। हमारा सेल्स कितना था? 70 करोड़ का था 6 मंथ में। तो हमें क्या करना पड़ेगा? करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा, एंड अगेन कंट्रोलिंग विल कम इन टू द पिक्चर। सो दिस इज ऑल अबाउट द फॉलो अप एंड एक्शन। तो गाइज, मैं आपको इसमें एक बात कहना चाहूँगा कि आप जो ये स्टेप्स ऑफ प्लानिंग प्रोसेस है, इसको सीक्वेंस में ही याद रखें, क्योंकि CBSE ने कई बार ऐसे दिए हैं क्वेश्चंस कि इनको अलग अलग तरीके जंबल्ड फॉर्मेट में दिया और बोला कि आप स्टेप वाइज इनको अरेंज करिए। तो सबसे पहले, वैसे टफ डिफिकल्ट नहीं है ये याद करना, सबसे पहले सेटिंग द ऑब्जेक्टिव, उसके बाद डेवलपिंग द प्रीमाइसेस, उसके बाद आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्सेस ऑफ एक्शन, देन आफ्टर इवेल्युएशन करेंगे, उसके बाद सेलेक्शन करेंगे सबसे अच्छे अल्टरनेटिव का, उसके बाद इंप्लीमेंट करेंगे प्लान को, और उसके बाद फॉलो अप एंड एक्शन। आप अगर सीक्वेंस में देखें तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट करना है, उसके बाद कुछ अजम्पशंस या प्रेमिसेस डेवलप करना है, फिर अल्टरनेटिव कोर्स अल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई करना है, फिर इवेल्युएट करना है, फिर सेलेक्ट करना है, फिर इंप्लीमेंट करना है, और उसके बाद फॉलो अप एंड एक्शन। आई होप गाइस ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और थैंक यू वेरी मच।